नमस्कार। धनु राशि पर बहुत विस्तार से हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे इष्ट मित्र सब्सक्राइबर बंधु बांधव तथा इष्ट जन, खासतौर से छात्र लोग और छात्रों के पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर भी चिंतित हैं तथा धनु राशि वालों के इस समय कई सारे इशू हैं। देखिए, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, स्थानांतरण, जॉब चेंज करना तथा गुस्सा आना, साथ ही साथ मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करने वाले ग्रह उन लोगों के चल रहे हैं जिनकी कुंडली में मंगल और राहु केतु एक सेपरेशन वाले वैचारिक वैमनस्य उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इस बात पर ही चर्चा करें कि इस समय जो टॉर्चर करने वाला ग्रह चल रहा है ये कब तक है तथा धनु राशि पर नेक्स्ट ढैया और साढ़े साथी कब आएगी, उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक बहुत साफ साफ बात करना चाहता हूं, क्लियर कर देता हूं, ठीक अब से 27.5 साल के बाद आपके ऊपर साढ़े साथी नाम की समस्या देखने में आएगी, लेकिन उसको लेकर के अभी आशंकित होना, एंजाइटी मन में रखना, ये अभी से ठीक नहीं होगा। आफ्टर 27.5 ईयर क्या होगा, कितना नक्शा बदल जाएगा, आपके मन, तन, शरीर, आपकी संतानें, पता नहीं कितना भौगोलिक परिदृश्य बदलेगा, ऐतिहासिक पर कई घटनाएं इस दौरान होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने क्लियर किया, 27.5 वर्ष के बाद साढ़े साथी का आगमन होगा, उससे पहले कोई इसका जिक्र नहीं होगा। लेकिन अब ढैया की बात करते हैं और ढैया को समाप्त करने के बाद हम अभी ट्रांजिट को बात करेंगे, आपकी महादशाओं की बात करने की कोशिश भी करेंगे, जैसा भी समय होगा जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूं। आपका 18 जून 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर शनि की ढैया, कंटक शनि कहा जाता है, वो शुरू होगी। इस बात को सुनकर के कितने कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, कितने फोन आएंगे, इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं। उस ढैया का जो रिलेशन है वो इस बात से है कि आपको जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तरक्की देने वाली होगी। वो चूंकि बृहस्पति की राशि के लिए शनि जो है सम है, जो नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री चक्र दिया हुआ है शास्त्रों में, उस चक्र में शनि सम है, शत्रुवत नहीं है, मित्रवत व्यवहार करता है। अब उस ढैया से डर करके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि का ही सेम प्रभाव देने वाला प्रारूप एकदम फोटोकॉपी राहु आपके पराक्रम भाव में होगा उसी ड्यूरेशन, तो डरने की जरूरत नहीं, आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। साथ ही साथ उन दिनों आपके लिए बृहस्पति भी अनुकूल फल देंगे। और दूसरी ढैया कब आएगी आपके ऊपर, वो आएगी जब मकर राशि में शनि आएंगे, लगभग 12.5 वर्ष के बाद। 12 वर्ष और 6 महीने के बाद, क्योंकि कर्क राशि में जब शनि विचरण करेंगे तो धनु के अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, और पंचम भाव संतान का है, लेकिन संतान के बारे में आज चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। संतान की एजुकेशन, स्वास्थ्य को लेकर, या ज्वाइंडिस एक शब्द है, पीलिया रोग, लीवर का रोग, बुखार, अब आप देखेंगे जो गर्मी की जो हीट वेव, गर्म प्रवाह, ग्रीष्मकालीन प्रवाह है, इस वर्ष अधिक है, क्योंकि इस वर्ष का जो राजा है इस संवत का वो मंगल है। ये मंगल ग्रह आगजनी की घटनाएं, फायरी साइन है, अग्नि तत्व जो है
आग आग लगवाता है। आप रोज देख रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री में आग, उधर आग, जंगलों में आग, और दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, रोज बहुत घटनाएं हो रही हैं। हम उत्तराखंड में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कई बार भगवान सृष्टि के बैलेंस को बनाना, कैसे बनाना है, ये ईश्वर के हाथ में, ये प्राकृतिक घटनाएं हमारे और आपके हाथ में नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि पर, जब शनि होगा तो उसकी दृष्टि होगी आपके संतान भाव पर, बुद्धि स्थान पर। जब ढैया और साढ़े साथी आती है, गलत मित्रों की संगति हो जाती है, नशा करने वाले, मद्यपान करने वाले, एडिक्टेड लोग, उनसे दोस्ती होती हो जाती है, या जो नंबर दो का काम करते हैं, हम किसी को आरोप नहीं लगाते, जो अनैतिक कार्य हैं, सरकार की नजरों में गलत काम माने जाते हैं, उन के करने वाले जो लोग हैं उनसे मित्रता होती है ढैया में और साढ़े साथी में। अब हम इस बात का क्यों ना चर्चा करें, इस बात की कि धनु राशि के चतुर्थ भाव में, चतुर्थ और दशम, सुख और चैन को छीनने वाले ये राहु केतु, इनको डिटैचमेंट वाले ग्रह कहा गया। माता पिता में विवाद, या माता पिता को लेकर चिंता, या माता कहीं है पिता कहीं और रह रहे हैं, और या हॉस्पिटलाइज होना किसी मेंबर का, और साथ ही साथ क्योंकि राहु केतु स्थानांतरण के भी प्रतीक है, आपका नौकरी बदलने का योग, या आपका कोई परिजन किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो दो तीन दिन के बाद आपका हौसला जवाब देगा, बोले नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये हॉस्पिटल ठीक इलाज नहीं कर रहा, तो पेशेंट का ट्रांसफर एकदम कर देते हैं, दूसरे अस्पताल में दिखाएंगे, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। इस प्रकार एकाग्रता नहीं बन पाती, राहु केतु की जो सिचुएशन है, स्वभाव है, प्रभाव है, वो ऐसा ही होता है। कारण ये हो गया है, अभी शत्रु राशि में धनु राशि का जो स्वामी है वो छठे भाव में, छठा और आठवा ये दो भाव ज्योतिष शास्त्र में, और द्वादश भाव, सारी के सारे प्रिडिक्शन केंद्र के स्वामी और तीसरे छठे आठवें बारहवें, तीन छह आठ बारह के स्वामियों के स्वभाव प्रभाव, उनके बल या उनकी शक्ति, वो वृद्धावस्था, बाल्यावस्था या युवावस्था में ग्रह हैं, कितने अंश का है, अस्त है या मार्गी है या वक्री रेट्रोग्रेड मोशन में, उसकी क्वालिटी, उसकी पोटेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही एस्ट्रोलॉजर जो है प्रिडिक्शन करते हैं। तो आज हम इस बात को लेकर के जरूर चिंतित हैं, और आपको भी कहेंगे धनु राशि वालों को, छठे स्थान में जो बृहस्पति है, इसका जहां निगेटिव इफेक्ट है वहां कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। द्वादश भाव में इसकी दृष्टि होगी, आपके कर्म स्थान जहां छह नंबर लिखा हुआ है वहां पर दृष्टि होगी, राज काज, पिता का स्थान, मान सम्मान, तरक्की, प्रतिष्ठा, और आपको काम मिलता है, जॉब मिलता है, तो जॉब भले ही हल्का है। देखिए बहुत पहले से एक आदमी बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा देखिए रोजगार चाहे 10 पैसे का हो, परमानेंट रोजगार मिलना बहुत दुर्लभ, भाग्यशाली के व्यक्ति के हाथ में होता है। आज की तारीख में मौत आसानी से मिल जाती है, नौकरी नहीं मिलती। आज हर व्यक्ति अपने रोजगार को लेकर, व्यवसाय को लेकर चिंतित है, और ये मैं गारंटी देता हूं धनु राशि वाले अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। जो धनु राशि वाला अपने काम से प्यार करता है वो उन्नति करता है, क्योंकि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करना जानते हैं, यू नो वेरी वेल हाउ टू डू और कैसे करना है, व्हाट टू डू रिगार्डिंग हिज पर्सनल मैटर, अपनी उन्नति को, इट्स सेल्फ डेवलपमेंट, अपने
उन्नति को कैसे करना है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। कई बार ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। भगवान विष्णु की उपासना तथा आप अगर बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल गाय को जरूर खिलाएं और ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का मंत्र है। 80% लोग गलती करते हैं जो एक गतानुगतम लोग के लोगों को देख करके चल रहे हैं। ओम नमो, नमो शब्द आ गया, ओम नमो, नमो मैंने नमन करते हैं, भगवते वासुदेवाय चतुर्थी विभक्ति है लास्ट में, वासुदेवाय वासुदेव के लिए, अब लास्ट में नम लगाएंगे तो 14 अक्षर हो जाएंगे, हमें 12 अक्षर बोलने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 14 द्वादश अक्षर हो गए, द्वादशाक्षरी मंत्र है। अब आप देखिए ओम नमः शिवाय आप पंचाक्षरी मंत्र है, 5 अक्षर है, लेकिन आप बाद में फिर आप ओम नमः शिवाय नमः ऐसा मत बोलो। तो ये कोई एक मंत्र अगर निर्धारित 40 दिन तक अगर जपता है कोई, पढ़ता है, तो भगवान उसकी जो आवाज है वो वहां तक पहुंचती है, नेटवर्क है ये भगवान के पास पहुंचने का। 40 कॉल तो देनी है, कारण क्या है, 40 शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, शिव 40, दुर्गा 40, हनुमान 40। साथ ही साथ अब ये देखिए हर स्कूल कॉलेज में 40 मिनट से अधिक का पीरियड नहीं होता, क्योंकि 40 मिनट के बाद फिर कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं बन पाती, अध्यापक जो भी बात बताएगा वो बाउंस हो जाएगी। एकाग्रता अगर बनाते हैं तो ये 40 मिनट, एक घंटा, 60 मिनट का कोई पीरियड नहीं होता, 40 मिनट का होता है, याद रखना, 20 मिनट का भी नहीं होता, आधे घंटे का भी नहीं होता, 40 मिनट का होता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो भगवान विष्णु की उपासना, उनका मंत्र पढ़िए। धनु राशि वालों के लिए जो अनुकूल ग्रह नहीं है वो भी अनुकूल होंगे, और एक चौपाई बड़ी प्रसिद्ध कही गई है, ये 12 की 12 राशियों के लिए है। आपको अपना मनोरथ, बहुत से आदमी पर्ची लिखते हैं भगवान के सामने रख देते हैं, भगवान मेरी ये समस्या है, नहीं ये प्रोसीजर नहीं है। आपको बोलना है सो तुम जानहु अंतर्यामी, मेरी क्या प्रॉब्लम है भगवान मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं, और कैसे वो सोल्व होगी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, मेरा जो भी मनोरथ है वो ही आप पूरा करेंगे। तो मनुष्य ज्यादा होशियार बनता है और ये संकल्प करने लगता है मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, वहां जाऊंगा, इस तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा, वैष्णवी देवी वैष्णो देवी बालाजी के मंदिर में लड्डू चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से हमारी जो अगली संतानें, अगली जो पीढ़ी है वो नास्तिक हो जाएगी। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं पूरे विश्व के लिए, यानी के इस प्रकार से मनोकामना या मन्नते मांगना शास्त्रों के विरुद्ध है। ये आपका काम बन गया, आपके एफर्ट्स से आप बोलोगे फला जगह जाने से ये कामनाएं सिद्ध होती, उसकी नहीं होगी तो वो उसकी अश्रद्धा उत्पन्न होगी। इसीलिए सामान्य गति से चलो और भगवान को प्रणाम करो, प्रभु हम जो भी हैं हमारी आपके दरबार में हाजिरी लग गई है, और आप हमारे लिए अच्छा या बुरा जो भी होगा आप ही सब निर्णय करने वाले हैं। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।